मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अलज़ायका फूड्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वाइट चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको शाही चिकन भी कहते हैं। बेसिक बात तो ये है कि इसकी ग्रेवी वाइट कलर की होती है। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। ये हड्डी के साथ है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। सबसे पहले इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक के ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है। 4 चम्मच दही के अभी ऐड करेंगे और बाकी दही हम बाद में डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें इसे मिलाना है। चम्मच से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं हाथों से प्रेफर करती हूँ। मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और पीसेस पर अच्छे से रब करेंगे ताकि मसाला अंदर तक से लग जाए। चिकन मैरिनेशन के लिए तैयार है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। 6-7 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी मैं पीस लूँगी। 50 ग्राम के करीब हमने काजू लिए हैं। 1 गोले का टुकड़ा लिया है और कुछ मखाने लिए हैं जिनको हम आधे पीस लेंगे और आधे हम ऐसे डालेंगे। मखाने फ्राई करने के लिए के चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। 1 टीस्पून इसमें देसी घी डालूंगी और मखाने डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक मखाने गुलाबी ना हो, इसको अच्छे से क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। मखाने फ्राई होने के बाद इसी कढ़ाई में हम काजू डालेंगे और थोड़ा सोते कर लेंगे और इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम देसी घी डालेंगे और प्याज का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था वो अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज के पेस्ट को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये वाइट चिकन है और प्याज भी हमारी वाइट ही रहना चाहिए। ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसी में अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक को भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसकी स्मेल नहीं निकल जाती। जब हमारा तेल छोड़ने लगे हम इसमें दही मिक्स करेंगे। दही को भी मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। ये चिकन भी इसी में मिला लेंगे और खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस डिश में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये हमारी हरी मिर्च है जिनको हमने पीस लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हम नमक डालेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ा डालेंगे। इसमें डालने के लिए 1 नींबू लिया है, इसका रस डालेंगे। आप इसको मैरिनेशन के वक्त भी डाल सकते हैं। इस डिश में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। वो इसलिए कि चिकन को हमने
दही के साथ मैरिनेट किया था वो अपना पानी छोड़ेगा, इसी में हमारा चिकन कुक हो जाएगा। अब हम लीड लगाकर 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चिकन गल चुका है और किनारों से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इसमें काली मिर्चें हमें कम लग रही थी, वो और डालेंगे और इसे 5-7 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देंगे। अब बारी आती है खुशबू के मसालों की। ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, इनको हम पीस लेंगे। खड़े मसाले मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने पीस कर डाले हैं। आप खड़े मसाले भगार के टाइम डाल सकते हैं। 100 ग्राम के करीब हमने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, इसको भी ऐड कर लेंगे। क्रीम आप अपनी नीड और अपनी विश के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये डिश शाही और रिच बने तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यह हमारा काजू और मखानों का पेस्ट है, इसको हम डालेंगे और 2-3 मिनट और पकाएंगे। बाकी के मखाने हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे। इस डिश को बनाने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। इस टाइम ढक्कन ढकने का मतलब ये है कि ऑयल सरफेस हो जाएगा। ये देखिए हमारा वाइट चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको सर्व कर दिखाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।